चार पानी के तो बाहर है हाँ भाई। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम आती है प्रोबेबिलिटी में, वो है कर्ण से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत कार्ड का नॉलेज हमें होना चाहिए। जैसे टोटल कार्ड की अगर बात करें तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड। मतलब जो तास आप लोग खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो देखी होगी, तो उसपे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो हमारे पास 52 टोटल कार्ड है। ठीक है, ये जो कार्ड है वो दो कलर में डिवाइड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं और आधे रेड कलर में होते हैं। तो अगर टोटल 52 है तो ब्लैक होंगे 26 और रेड में 26। अब ब्लैक में दो कैटेगरी है और रेड में भी दो कैटेगरी है। ब्लैक में एक कार्ड आता है स्पेड का, जिसको हम बोलते हैं हुक्म का पत्ता या फिर काली बोलते हैं। एक पत्ता आता है ब्लैक में क्लब का, जिसको हम चिड़ी बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में या फिर ट्री बोलते हैं, है ना। रेड में भी दो कैटेगरी है, एक है डायमंड जिसको हम ईंट बोलते हैं और एक है हार्ड। ठीक है, दिल बना हुआ होता है दिल शेप में, हार्ड शेप में। तो दो रेड कैटेगरी और दो ब्लैक कैटेगरी है। तो अगर टोटल 26 कार्ड है तो 13 स्पेड के हैं, 13 क्लब के हैं, 13 डायमंड के हैं और 13 हार्ड के कार्ड होते हैं। अब ये जो 13 कार्ड है, ये 13 कार्ड कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा कार्ड होता है एस का, जिसको हम बोलते हैं इक्का। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा ए बना हुआ होता है, ये सबसे बड़ा कार्ड। उसके बाद कुछ डिजिट कार्ड है। डिजिट कार्ड में हमारे पास है जिन पे नंबर लिखे हुए होते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये डिजिट कार्ड है, इनपे डिजिट जो है वो प्रिंटेड होती है। उसके बाद हमारे पास कुछ फेस कार्ड है जिन पे चेहरे बने हुए होते हैं। उनमें पहला कार्ड है जैक, दूसरा क्वीन और तीसरा किंग। इसको गुलाम बोलते हैं, रानी बोलते हैं और इसको बादशाह बोलते हैं। ठीक है, तो गिने तो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये 13 कार्ड जो है हमारे पास तास की जो घटी है उनमें इन 13 के जो है वो चार चार कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब चार इक्के, चार दुक्के, चार दुक्के इस तरह से। और चार कौन कौन से, एक इक्का होगा हुक्म का, एक क्लब का, एक डायमंड का, एक कार्ड का। ऐसे ही एक दुक्की होगी इसकी, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। मतलब कोई भी कार्ड उठा के देखोगे तो वो कार्ड, जैसे दुक्की की बात करें तो ये दो ब्लैक कलर में होगी, दो रेड कलर में होगी। तो ये आप लोगों ने अगर देखे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा इनका। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसमें ये है प्रोबेबिलिटी में कि हमने रैंडमली एक कार्ड निकाला इन 52 कार्ड में से और उस पे सवाल पूछा जाता है कि मान लो कि वो कार्ड, पहला सवाल ये है आपकी बुक पे ही सवाल आ जाता है कि वो कार्ड जो हमने रैंडमली निकाला है वो जैक ऑफ रेड कलर हो, जैक ऑफ रेड कलर। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेड कलर के जैक कितने होते हैं। देखो जैक के चार कार्ड होंगे, एक जैक स्पेड बना हुआ होगा, एक ट्री बना हुआ होगा, एक में डायमंड बना हुआ होगा और एक में हार्ड होगा। तो ये दोनों रेड और ये दोनों ब्लैक। तो जैक के रेड कलर में फेवरेबल कितने कार्ड है हमारे पास, दो। और टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल तो 52 है। तो अगर मैं 52 में से एक कार्ड निकालूं जो कि जैक ऑफ रेड कलर हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो इस चीज के फेवर में दो आउटकम है, दो भी इवेंट आ करके उसके फेवरेबल आउटकम ऊपर लिख रहे हैं और टोटल कितने कार्ड है वो हमेशा नीचे आ जाएगा। तो ये हो गया 2/52। ठीक है, ये इस बात की प्रोबेबिलिटी। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कार्ड ऑफ रेड कलर कि हमने एक कार्ड निकाला जो रेड कलर का है। अब रेड कलर के फेवर में कितने कार्ड है, रेड कलर के फेवर में टोटल कितने कार्ड है, 26 और टोटल कार्ड अगेन वही 52। रिड्यूस करके भी लिख सकते हो 1/2।
तो अगर आपके पास 52 कार्ड है तो उसमें से एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी 1 बटा 2, क्योंकि आधे रेड है और आधे ब्लैक है, तो 1 बटा 2 का मतलब आधी प्रोबेबिलिटी रेड कार्ड निकालने की और आधी 1/2 ब्लैक कार्ड निकालने की हो जाएगी। फिर तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक कार्ड निकाला जो एस ऑफ हार्ट है, एस ऑफ हार्ट, इसका मतलब ये जो एस है ये भी चार कैटेगरी में होगा, एक पे स्पेड बना हुआ होगा, एक पे डायमंड होगा, एक पे हार्ट होगा और एक पे क्लब होगा। तो एस ऑफ हार्ट वाला कार्ड सबके पास लड़कों को एक ही है और टोटल हमारे पास एन 52 कार्ड है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी हुई 1/52, क्योंकि इस इवेंट के फेवर में सिर्फ एक कार्ड हमारे पास होगा, मतलब दिल वाला इक्का। ऐसे कितने कार्ड होंगे जिन पे जो इक्का है उस पे हार्ड बना हुआ है, वो तो एक ही है ना, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम एक, टोटल 52, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी ये हुई। फिर ये आपसे पूछ रहा है क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी निकालो क्वीन ऑफ डायमंड। अगेन भाई ऐसे कितनी क्वीन है कार्ड में जिसपे डायमंड है, तो क्वीन भी हमारे पास एक ही होगी जिसपे डायमंड है, ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम एक, टोटल आउटकम 52 चाहिए होगा 1/52। फिर ये आपसे पूछा है कार्ड ऑफ स्पेड, एक कार्ड निकाला तो स्पेड का है, अब स्पेड के फेवर में कितने कार्ड है हमारे पास, स्पेड के फेवर में हमारे पास 13 कार्ड है और टोटल अगेन 52, तो ये हुआ 13/52 या फिर 1/4। तो इस तरह से आपको कार्ड के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आए तो कार्ड का ये जो डायग्राम है ये याद होना चाहिए, टोटल 13 कार्ड होते हैं, सबसे बड़ा कार्ड एस का कार्ड जिसको हम इक्का बोलते हैं, बाकी डिजिट कार्ड है उनकी दिखी जो कि ये 10 तक, फिर फेस कार्ड है। अब फेस कार्ड पे भी मैं कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से बनाऊं, तो मैंने एक कार्ड निकाला जो रेड फेस कार्ड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देखो अगर टोटल फेस कार्ड कितने हैं गिनो, चार इसके टोटल 12 कार्ड है जिनमें रेड और ब्लैक कितने होंगे, आधे रेड आधे ब्लैक, तो मैंने रेड फेस कार्ड निकाला, इसका मतलब फेस कार्ड और वो भी रेड, तो इस चीज के फेवर में 6 कार्ड मुझे मिलेंगे और टोटल 52 है, तो रेड फेस कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 6/52, क्योंकि टोटल फेस कार्ड 12 है उनमें से रेड होंगे 6, ब्लैक होंगे। अच्छा अगर मैं रेड हटा दूं, मैं सिर्फ पूछूंगी एक कार्ड निकाला जो फेस कार्ड है, मतलब उस पे चेहरा बना हुआ है, तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं 12, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 12/52। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि 52 करते हैं उनमें से एक कार्ड हमने निकाला और उसको फेंक दिया, जैसे मैंने एक इक्का निकाला और उसको फेंक दिया, फिर मैंने एक और इक्का निकाला, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक इक्का निकाला और पहले एक इक्का निकाल के फेंक दिया, तो अब इक्के कितने बचे, टोटल 4 थे, एक फेंक दिया बचे 3, और टोटल कार्ड में से भी एक कम हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/51, क्योंकि जब आपने एक इक्का निकाल के फेंक दिया तो इक्के अब हमारे पास 3 बचेंगे, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गया और टोटल में से भी एक कार्ड कम हो गया, ठीक है, तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी जो है वो लिख सकते हैं। पहले अगर इक्का निकालना था तो प्रोबेबिलिटी 4/52 थी, लेकिन एक कार्ड हमने कम कर दिया तो हो गई 3/51, ठीक है। तो कार्ड पे बहुत सारे सवाल इस तरह से हमारे बनते हैं जो हमें इस तरह से सॉल्व करने हैं, ये एक बार नोट कर लो आप। देखो ये क्वेश्चन अभी जो हमने किया ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, उससे पहले एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 को, ये कह रहा है कि ड्यू टू सम रीजन 12 फॉल्टी पेन आर मिक्स विद 132 गुड पेन, मतलब कुछ खराब पेन है हमारे पास, फॉल्टी पेन आर 12 और गुड पेन थे जो क्वालिटी में अच्छे हैं, ये हमारे पास थे 132, तो टोटल पेन कितने हो गए 132 प्लस 12 मतलब 144 पेन्स। अब ये कह रहा है कि बाय इंस्पेक्शन आर कैन नॉट जज दैट व्हिच पेन इज फॉल्टी, मतलब देखने से ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा खराब है या कौन सा सही है, सारे एक जैसे दिख रहे हैं। इफ वन पेन इज नॉन एट रैंडम देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज गुड पेन, अगर मैंने 144 पेन में से एक पेन निकाला रैंडमली, उस पेन के
गुड पेन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गुड के फेवर में कितने पेन हैं और टोटल कितने पेन हैं, बस इसका रेशियो हो जाएगा गुड पेन निकालने की प्रोबेबिलिटी। और अगर पूछा जाए कि हमने जो पेन निकाला वो फॉल्टी पेन है, वो खराब पेन है, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो फॉल्टी के फेवर में कितने पेन थे, 12 और टोटल 144, तो उसका जो रेशियो होगा वो हमें प्रोबेबिलिटी दे देगा खराब पेन के निकालने की। ठीक है, यदि एक क्वेश्चन और मैं साथ में कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है कि एक बैग है जिसमें 5 रेड 3 व्हाइट बॉल है, फिर ये कह रहा है फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, एक बॉल निकाली जाती है रैंडमली, तो उस बॉल के व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, उस बॉल के व्हाइट, तो व्हाइट के फेवर में कितनी बॉल, 3, और टोटल गिन लो कितनी बॉल है बैग में, टोटल बॉल है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। अब देखो दूसरा सवाल ये कह रहा है नॉट व्हाइट, तो नॉट व्हाइट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाली तो मैंने दो तरीके बताए थे, आप वन में से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, एक काम ये कर सकते हैं, और व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, माइनस किया तो ये आ गया 5/8। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि अगर वो व्हाइट बॉल नहीं है और दो ही बॉल है तो वो कौन सी बॉल होगी, ब्लैक होगी, सॉरी रेड होगी, भाई दो तरह की ही बैग के अंदर है पर हमने बॉल निकाली वो व्हाइट नहीं है, तो कौन से कलर की होगी, तो निकाली हो रेड होगी, और रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर हो जाएगी, यहां से व्हाइट बॉल ना निकालने की प्रोबेबिलिटी के बराबर हो जाएगी, तो रेड के फेवर में देखो 5 टोटल 8, तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी यहां पे 5/8। तो दो काम कर सकते हैं, अगर किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वन में से उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी सबट्रैक्ट कर दो, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप ये देख लो कि दो चीजें ही हैं, अगर व्हाइट नहीं है तो फिर क्या है, दूसरी जो रिजल्ट बचा है उसकी प्रोबेबिलिटी आप लिख दो। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए, फिर ये जैसे एक और क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ पे छठा क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.65 है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए क्या होगा, तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस कर देंगे, मतलब 0.65 माइनस किया तो ये कितना बचा 0.35, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,